भगवान सूर्य जिन्हें आदित्य भी कहा जाता है वास्तव में एकमात्र प्रत्यक्ष देवता हैं। इनकी रोशनी से ही प्रकृति में जीवन चक्र चलता है, इनकी किरणों से ही धरती में प्राण का संचार होता है और फल फूल अनाज अंड और शुक्र का निर्माण होता है। यही वर्षा का आकर्षण करते हैं और ऋतु चक्र को चलाते हैं। भगवान सूर्य की इस अपार कृपा के लिए श्रद्धा पूर्वक समर्पण और पूजा उनके प्रति कृतज्ञता को दर्शाता है। सूर्य खष्टी या छठ व्रत इन्हीं आदित्य सूर्य देव भगवान को समर्पित है। इस महापर्व में सूर्य नारायण के साथ देवी खष्टी की भी पूजा की जाती है। दोनों ही दृष्टि से इस पर्व की अलग अलग कथा एवं महात्म्य है। सबसे पहले आप खष्टी देवी की कथा सुनिए। एक थे राजा प्रियव्रत, उनकी पत्नी थी मालिनी। राजा रानी निःसंतान होने से बहुत दुखी थे। उन्होंने महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के प्रभाव से मालिनी गर्भवती हुई, परंतु 9 महीने के बाद जब उन्होंने बालक को जन्म दिया तो वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत इससे अत्यंत दुखी हुए और आत्महत्या करने हेतु तत्पर हुए। प्रियव्रत जैसे ही आत्महत्या करने वाले थे उसी समय एक देवी वहां प्रकट हुई। देवी ने कहा, प्रियव्रत मैं खष्टी हूं, मेरी पूजा आराधना से पुत्र की प्राप्ति होती है। मैं सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाली हूं, अतः तुम मेरी पूजा करो, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने देवी की आज्ञा मानकर कार्तिक शुक्ल खष्टी तिथि को देवी खष्टी की पूजा की, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इस दिन से ही छठ का व्रत का अनुष्ठान चला आ रहा है और भक्तगण बड़ी श्रद्धा और भक्ति पूर्वक खष्टी मैया को प्रणाम करते हुए उनको ध्यान में रखते हुए अपने सर्व मनोरथ कामना को पूर्ण करने के लिए खष्टी माँ का यानी कि छठी मैया का व्रत करते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या लौट कर आए तब राज तिलक के पश्चात उन्होंने माता सीता के साथ कार्तिक शुक्ल खष्टी तिथि को सूर्य देवता की व्रतोपासना की और उस दिन से जन सामान्य में यह पर्व मान्य हो गया और दिनानुदिन इस त्योहार की महत्ता बढ़ती गई। वह पूर्ण आस्था एवं भक्ति के साथ यह त्योहार मनाया जाने लगा।